नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ युवक गिरफ्तार। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली से है, जहां पूरे जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं, इनको इनका इनकी बिक्री की जा रही है, और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने थाने की टीम ने और SHO जसपुर, SSI जसपुर और यहाँ SI जावेद मलिक इनकी टीम ने काम किया, और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है, जिसका नाम है राजकुमार, जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है, जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है। और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं, जिसमें ट्रेमाडोल और एल्प्राजोलम आदि टैबलेट्स हैं, और इस सूचना पर मौके पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है, और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी तलाश किया जा रहा है। क्या पहले से बेचता रहा मैडम ये दवाई? इसके बारे में काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी, परंतु पुराना अभी तक इसमें जितना भी रिपोर्ट निकला है कि कुछ समय से ये एक्टिव है, लेकिन उससे पहले भी ये कब से कर रहा है, एग्जैक्टली कब से कर रहा है, उसमें हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। जसपुर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है, अब तक लगभग किन किन चीज़ों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल भेजा? लेकिन नशे में जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे सूखा नशा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे इसके अलावा जो दवाइयां हैं जो प्रतिबंधित हैं एक्ट के तहत, उसमें भी अगर कोई भी कर रहा है तो उसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, और अच्छी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, और इसमें आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई चलती रहेगी। थैंक यू।